बताइए लेफ्ट आंख से क्या दिखाई पड़ रहा है? बिल्कुल सही, दो उंगली। बहुत सारी बधाई हो। परछाइयां दिमाग में पहुंचना सबसे बड़ी बात थी, क्योंकि आप बिल्कुल नहीं देख पा रहे थे। ठीक, नहीं देख रहे थे। क्यों? क्योंकि आपकी आंखों से नजर पीछे नहीं जा रही थी, ब्रेन में वो नहीं जा रहा था पर्दे की परछाई। आज पर्दे में जो परछाई बनी वो आपकी ब्रेन में जा रही है, इसलिए आप देख पा रहे हैं। पहले दिन आपको सिर्फ हिलता डुलता महसूस होता था। देखें अब कितनी है। बहुत सारी बधाई हो। एक है, बिल्कुल सही बोला आपने, आपके साफ नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। लगभग 2 फीट की नजर, 2 फीट की नजर आपकी लेफ्ट आंख में भी आई है ना, 2 मीटर की राइट आंख में और 2 फीट की लेफ्ट आंख में। लेफ्ट आंख बिल्कुल मृत प्राय हो गई थी, वो अब जिंदा होना शुरू हो गई। बहुत सारी बधाई हो आपको। हाँ जी, क्या नाम है आपका? शिवराज, राजस्थान। हेमराज? शिवराज। शिवराज जी कहाँ से बता रहे हैं? राजस्थान। राजस्थान से? कौन सी जगह? डिस्ट्रिक्ट से? जोधपुर। जोधपुर से बता रहे हैं। क्या परेशानी हुई आपको? आँखों की परेशानी। आँखों में क्या होता है? आँखों में एक तो सेंट्रल विजन लॉस है। कब से? सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले रात को दिखाई कम दी। रात को कम दिखाई देता था। कौन से सन में आपको मालूम पड़ा? मेरे को लगभग 15 वर्ष की एज में पता चल गया। जब आप 15 वर्ष के थे तब आपको मालूम पड़ा कि आपको रात को कम दिखाई दे रहा है। आज उम्र कितनी है आपकी? आज है 45। मतलब करीब करीब 30 सालों से आपको दिखाई देना कम हो गया रात को। फिर क्या हुआ? फिर ऐनक लग गया। फिर दिन में दिखाई देना कम हुआ दूर का? नहीं, फिर ऐनक लग गया। तो फिर ऐनक तो दूर के लिए लगा होगा ना? हाँ, दूर के लिए। तो दूर का दिखना कम हुआ? कम हुआ। ठीक। हाँ, कब हुआ ये कम? ये 2003 के आसपास। 3 के आसपास। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं ऐनक लगाने से फिर 8-10 साल सही नहीं दिखा। हाँ, उसके बाद वो भी उसके बाद में सेंटर विजन लॉस हो गया। इसे चश्मे से दिखता था लेकिन चश्मे से भी सेंट्रल विजन लॉस हो गया, सामने का आपको दिखाई देना बंद हो गया। बंद हो गया। तो ये कैसे मालूम पड़ा आपको? नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा बिल्कुल, सामने ही आपका चेहरा ये भी दिख रहा है। कोई व्यक्ति बैठा हुआ है वो आपको पहचान में नहीं आता था, पर उसके पहले शुरुआत हुई होगी आपको पास के अक्षर दिखना। हाँ, बंद हो गया। बंद हो गया है ना, पास का अक्षर आपको बंद हो गया। घुमा फिरा के देखना पड़ते थे क्या लिखा है, क्या लिखा है ना। हाँ सर। ठीक। कलर दिखना भी बंद हो गया। आदमी का चेहरा देखना बंद हो गया। तब आपको लगा कि मेरे को बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है। तो आप 2012 तक के पहले तक आपने किसी को दिखाया? सिर्फ चश्मे का नंबर चेक कराया था। 2012 से जब आपको दिखना बंद हो गया तब आप कहाँ दिखाने गए? अहमदाबाद में। क्या बोला डॉक्टर साहब? नागपाल साहब? हाँ, नागपाल। क्या बोले? ये मतलब रेटिना बीमारी है। रेटिना की बीमारी है, इसलिए आपको दिखाई देना बंद हो गया। बंद हो गया। और फिर बोला इसका तो कोई इलाज है नहीं। ठीक, इसका कोई इलाज नहीं है। इसके बाद आप अहमदाबाद के बाद कहाँ दिखाए? मैं बॉम्बे में गए। बॉम्बे गए थे। और फिर पूना दिखाए। पूना? पूना में। हाँ, फिर उसके बाद में फिर वापिस दिल्ली गए थे। ठीक, संजीव नेत्रा में। दिल्ली में आयुर्वेदिक में गए थे? हाँ, एलोपैथी में? नहीं, आयुर्वेदिक में। आयुर्वेदिक संजीवनी हॉस्पिटल। फिर वहाँ पे कोई फर्क नहीं है। कितने दिन की दवाई ली वहाँ पे? 3 महीने का कोर्स लिया। 3 महीने का संजीवनी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में आपने इलाज लिया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। बाकी जो आप दिल्ली बॉम्बे गए थे वहाँ क्या बोला गया? वही रेटिना की बीमारी का इलाज नहीं, कोई इलाज, इसलिए आप आयुर्वेदिक हॉस्पिटल गए। इसके अलावा संजीवनी के अलावा हॉस्पिटल में गया था, आई सेवन में। आई सेवन में गया तो वहाँ भी वही होता है। क्या बोले? कुल मिला के आपने तमाम कोशिशें करी, दिन पे दिन आपकी रोशनी कम होती चली गई है ना, आपकी परेशानियाँ बढ़ती चली गई। अब आपको कुछ भी देखना होता है तो आप टेढ़ी कर, ठीक है, राइट या लेफ्ट आप पाँव घुमाते हैं तब आपको दिखाई पड़ता है, ऊपर नीचे में मुश्किल होती है। तो जब आपको ये दिखना कम हुआ तो आपको सड़क पे चलने में क्या होता था? सड़क पे गड्ढे होते थे, ब्रेकर होते थे, वो नहीं मिलेगा। नहीं
नहीं दिखते थे। सीढ़ी उतरने में, सीढ़ी उतरने तो थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है सीढ़ी उतरने में भी। कोई आपको डायरेक्ट कोई ऑफर करता है चाय पानी कुछ भी, या कोई आपका मित्र हाथ मिलाता है तो एकदम आप अचानक मिलाता है तो पता नहीं चलता है, लेकिन थोड़ा दूर से फिर से देखता हूँ तो तब पता चलता है कि शायद कोई खड़ा है मेरा मित्र, या मेरे को कोई लाड़ी चाय दे रही है, है ना। आँख टेढ़ा करके देखेंगे तो आपको कब दिखेगा, या आदमी बोलेगा लो चाय ले लो तो भी पता चलेगा, तो भी आपको सामने नहीं पता पड़ेगा। कैसे पता चलेगा? साइड से पता चलेगा, आँख तिरछी करेंगे आप तब आपको दिखेगा कि ये चाय का कप है, तब मैं उठाऊंगा। ठीक ठीक। जिंदगी की परेशानियां बढ़ती चली गई, पेपर पढ़ने से भी मोहताज हो गए, कुल मिला के आपकी जिंदगी में सारी परेशानी कदर नहीं देखने के कारण आई, क्योंकि आप पैसा लेन देन करने में भी आपको दिक्कत होती है। नोट पहचान लेते हैं तो बहुत मुश्किल पड़ता है ना, आके टेढ़ी आड़ी करके आप देखते हैं कि कितने रुपए का नोट है ना, कलर देख के नहीं पहचानते, गिनती देख के। ठीक, तो जिंदगी परेशानियों से भर गई है और प्रयास करेंगे हम कि आपको पर पाए। ये बीमारी आपको रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के साथ साथ जो बड़ी तो वो मैक्युलर डीजनरेशन पे पहुँच रही है, आपका सेंटर पॉइंट खत्म होकर वो उसको कहते हैं मैक्युला। तो मैक्युला का डीजनरेशन हुआ वो आपसे वो पार्ट से आपको दिखना बंद हुआ, वो पार्ट से बंद हुआ तो मेरा चेहरा भी नहीं दिखेगा और मेरे पीछे का भी सामान नहीं दिखेगा, लेकिन वो आप सीधे देखोगे तो मेरे बहुत ऊपर कुछ ना कुछ आपको दिखाई देगा, ऊपर कुछ दिखाई पड़ेगा, ऊपर दिखाई है ना, या मेरे कोई साइड में कोई चीज़ है वो दिखाई पड़ेगी, लेकिन चेहरा दिखाई नहीं पड़ेगा, है ना। जो पॉइंट आप टारगेट करेंगे वो टारगेट आपको नहीं दिखेगा। व्यक्ति को आप व्यक्ति को देखेंगे तो उसकी ड्रेस दिख सकती है, पैंट दिख सकता है, लेकिन उसका चेहरा देखना है आपको तो आपको साइड करके देखना पड़ेगी नज़र, तो आपको दिखाई पड़ेगा कि ये कोई खड़ा है, कौन खड़ा है, तब आप पहचानेंगे उसकी आवाज़ से। ठीक, ये आपकी कुल मिला के परेशानी है, लेकिन आपको एक चीज है, आपको सबने रेटिना रेटिना बोला, बीमारी का नाम नहीं, किसी ने ये नहीं बोला आपको मैक्युलर डीजनरेशन है या रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा बीमारी है, दोनों चीज आपको नाम से कुछ नहीं बताया गया, है ना, सिर्फ इतने ही बताया रेटिना की बीमारी है, रेटिना की बीमारी है। फिर आप डॉक्टर ऋषभ जैन के पास कैसे पहुंचे? ये सर यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब को मैं आपको से आपने ढूंढा, वीडियो देखा, वीडियो आपने देखे, तो किस नाम से देखे आपने? डॉक्टर ऋषभ जैन, सिर्फ डॉक्टर ऋषभ जैन। ट्रीटमेंट आप रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा या नाइट ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस ये करके आपने ढूंढा तो आपको ये वीडियो मिले, तो हम प्रयास करेंगे, यूट्यूब ने आपको जो रास्ता दिखाया उस रास्ते को हम सफल बनाएं, आपकी मंजिल तक आपको पहुँचाएं, कुछ ना कुछ फर्क करके दिखाएंगे। आज आपका पहला दिन है, हम देखते हैं आज आपको क्या दिखाई पड़ रहा है। ठीक, तो शिव